नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग साजिशन आपके खिलाफ इस तरह का केस करने में पत्नी की मदद करते हैं, और वो जो लोग पत्नी की मदद कर रहे होते हैं ना, वो कल्प्रिट होते हैं, वो बहुत बुरी तरह आपको फंसा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो मतलब आपके साथ होना चाहिए। तो ऐसे में आपको केस करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी, और इसके कुछ ना कुछ एविडेंस या तो वो केस करने से पहले आपको दे चुके होते हैं, या करने के बाद आपको मिल जाते हैं, या फिर प्राइमा फेसी वैल्यू में आपको कोई ना कोई चीज़ पत्नी की ड्राफ्टिंग से मिल जाती है, या पत्नी की गई FIR से मिल जाती है। यहाँ पे वो कौन कौन लोग हैं जो इस तरह की समस्याएं आपके लिए खड़ा कर सकते हैं, यही आज के वीडियो का विषय होगा, टॉपिक होगा। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप एजुकेटेड रहें, और एजुकेटेड रहने का फायदा होता है भाई, क्योंकि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है हमारे कोर्सेज के अंदर, उन लोगों को ज़्यादातर को राहत मिली है। जो लोग फ्री हो चुके हैं उन्होंने बहुत कम टाइम और पैसा खर्च किया है, और बहुत मजबूती से अपना केस लड़के निकल गए, और जो लोग अभी इस वक्त इन कोर्सेज को ज्वाइन किए हुए हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, डर उन्हें नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है क्योंकि वो एजुकेटेड हो रहे हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, डिटेल्स लीजिए, फिर भी आपको जरूरत लगता है कि डिटेल के अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो आपसे बात भी की जाएगी। अगर आप यहां पर किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं, तो फिर इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज डालिएगा, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद मेरा फ़ोन आपसे बात करने के लिए आएगा। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा पावर हाउस जो होता है वो ज़्यादातर फादर और मदर होते हैं। किसके? आपकी बीवी के। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या थी? सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि आपकी जो वाइफ थी ना, उसको उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा घर नहीं तोड़ना, आपको अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, आप अपना घर छोड़कर मत आइए क्योंकि वही आपका घर है। पर आजकल कुछ माँ बाप जरूरत से ज़्यादा ही सिक्योर हो गए हैं अपने बच्चों को लेकर, और उस सिक्योरिटी में वो पति को हमेशा दुश्मन की तरह समझते हैं। हाँ, ये दुश्मन है, इसके साथ मुझे गलत करना है, इसकी मेरे को बैंड बजानी है, मतलब इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वहाँ अपनी बेटी को सांस ही नहीं लेने दे, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, नहाए कब, धोए कब, वो तेरे साथ कैसा है, वो क्या बात कर रहा है, ऐसे क्यों बोल दिया, कैसे बोल सकता है, ये सब चल रहा होता है। मतलब खाना अगर अच्छा नहीं बना और ये कह दिया आज रोटियाँ जली हुई बनी है, तो उधर से पूरे दिन का, दो दिन का कलेश हो अपनी बच्ची को गिफ्ट करके और आपके सर पे वजन डाल देते हैं, और ऐसा सबके साथ हुआ है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये उन लोगों की थी। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप बकायदा इस सबूत को लेकर कोर्ट में खड़े हुए कि देखिए साहब पहले से विवाद चल रहा है, और ये दोनों माँ बाप यहां पर समझाने की जगह अपनी बेटी के साथ कोर्ट में खड़े हुए हैं। आप बकायदा कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात पूछ सकते हैं अपने ससुर साहब से कि साहब आपको जब आपकी बेटी ने ये बात बताई कि मेरे साथ कुछ हुआ है तो आपने क्या किया? तो बोला नहीं, मैं तो बस एक्शन लेने पे आ गया। तो यानी कि आप मानते हैं ना कि आप अपनी बेटी को लेकर गए थे वकील साहब के पास? बोले हाँ। फिर उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग भी आपके सामने कराई? हाँ। फिर उसके बाद कोर्ट में भी आप रेगुलर उसके साथ आ रहे जा रहे हैं? वो ये कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब आप इंटेंडेड थे शुरू से, आपके मन में था कि आप अपनी बेटी का घर तोड़ेंगे, तोड़ना ही चाहते थे, क्योंकि आपने इसके बीच में कोई पहल ही नहीं की, आप सीधा चले गए लड़ने के लिए, और यहां पर आए हैं बेसलेस ग्राउंड्स के साथ, ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंसेस है, ना कोई गवाह है, और जो है वो कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बनता है डैमेज ऑफ रिलेशनशिप का केस सिविल सूट का, जिसके अंदर आप कंपनसेशन भी मांग सकते हैं अपनी पत्नी से आपका रिश्ता तोड़वाने के लिए आपके ससुराल वालों के खिलाफ। कई बार ऐसा भी होता है कि इनिशियल स्टेजेस पे जब केस शुरू नहीं हुए होते तो हमने इसका एक सेक्शन 9 का बाप करके एक वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर क्लियर यह बताया गया था कि अगर पति को ये दिक्कत आ रही है कि उसके ससुराल वाले उसकी बीवी को नहीं भेज रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और इसको लगाने से उनको जवाब देना पड़ेगा, वहाँ जो कार्रवाई होगी उसका सीधा सीधा सार एक ही निकल के आएगा कि आपका तलाक सीधा हो जाएगा, फिर आपको ये केसेस वगैरह नहीं लड़ने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आपके केस भी नहीं आएगा, इतना मजबूत केस है। अगर आपकी जीवन में इसके अलावा एक व्यक्ति और होता है जिसे कहते हैं साला, यानी ब्रदर इन लॉ, आपकी बीवी का भाई, कई बार इन लोगों को भी बहुत गड़बड़ होती है, या तो ये लोग बेरोजगार होते हैं, या फिर ये क्या है कुछ उठाई गिरे होते हैं, या फिर इनके साथ कुछ गड़बड़ होती है कि ये कानून के समाधान को कानून का खिलौना बना लेते हैं, कानून को ये समझते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। कभी मान लीजिए बहस ही हो गई आपकी उनसे, या आपसे शुरू से उसका मनमुटाव है, आपकी उसे शक्ल ही पसंद नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ साले बहुत होते हैं, और कुछ बहुत जिम्मेदार भी होते हैं जो अपने परिवार को बहुत निभाते हैं, अपनी बहन के परिवार को एक जिम्मेदारी मानते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि नहीं है हमारे, हम बादशाह हैं। ऐसे लोग आपकी बीवी को भड़काते रहते हैं और भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। कुछ बेरोजगार भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, रिश्ता टूटा, तो कम से कम कुछ पैसा ही आएगा, वो अपनी बहन को इसीलिए भड़का देते हैं, इतने गलत सोच वाले भी होते हैं। अगर ये सब वहां दिख रहा है, ऐसी सूरत में ज़्यादातर लोग जोशीले होते हैं, ये आपको धमकियां देके बैठे होते हैं, गालियां बक के बैठे होते हैं, जान से मारने की धमकी दे रखे होते हैं। अगर ये शुरुआत में ही है तो आप या तो ये गलती कर चुके हैं कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की, सुनकर रह गए, तो आज जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ वो, और अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही हैं और आपने ये सब चीज़ अभी अभी झेली है अपने साले के थ्रू, तो फिर आप उसे क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी में फंसा सकते हैं, आपके खिलाफ
आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए ना केवल आपकी वाइफ को उकसाना, उसके अलावा आप थ्रेटनिंग का केस लगा सकते हैं, आप जान से मारने की धमकी का केस लगा सकते हैं, आपको उसे पाबंद कराने का केस लगा सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में भी पाबंद रहेगा, आपकी वाइफ के साथ नहीं आ पाएगा। और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस खुल जाते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस और वेरी करता है आपकी कंडीशंस के हिसाब से, आपके केस में कंडीशन क्या हुई है, पर ऑप्शंस खुला है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक और छुपा रुस्तम आदमी होता है जिसे कोई भी नोटिस में नहीं ले रहा होता है, वो होते हैं आईओ साहब, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब, जिनको डंडे के दम पर आपको हड़काने में बड़ा मजा आता है जब आप नए नए आते हैं, मासूम इंसान होते हैं, सोचता है अरे हड़काओ, गालियां बको, कुछ भी करो, उनके खिलाफ सबूत बना डालिए किसी भी स्टेज पे, वो केस पे अगर आप 2 साल पुराने केस को भी लड़ रहे हैं, 3 साल पुराने केस को, तो भी इसको पार्टी बनाओ एक नए केस में, बोगस केस लगाने के चक्कर में, आपके खिलाफ एक ऐसा केस लगाने के चक्कर में जो कि कहीं खड़ा ही नहीं होता। बहुत कम ऐसी न्यूज़ आती है, पर जिन्होंने ऐसी कोशिश की है, बहुत भागदौड़ करिए, बहुत माथापच्ची करिए, आयोग को गलत साबित कर दिया, 498-0 हो जाता है, 498-0 हो गया, डीवी भी उसी कहानी पर लिखा हुआ है, 125 भी उसी कहानी पर लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, एक केस धराशायी, सारे जीरो, क्योंकि फैक्ट्स एक ही दिए गए, फैक्ट्स मैं कहता नहीं हूं क्योंकि वो सबूत के आधार पे होते हैं, कहानी एक ही दी गई है। अब समझिए दूसरी बात, एक बहुत ही गड़बड़ आदमी है आपके जीवन में, वो है आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड, मैं सारी पत्नियों के लिए नहीं कह रहा हूं, पर कई लोगों को आजकल ये केसेस ज्यादातर 40-60% केसेस के अंदर इसी वजह से भुगतने पड़ते हैं, ये है अडल्ट्रस रिलेशनशिप। कई बार औरत का अपने बॉयफ्रेंड से बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा होता है, हम भारतीय समाज में रहते हैं, भारतीय समाज में जात धर्म का बड़ा फर्क है, आज भी बहुत सारे लोग इस छोटी सोच पे चलते हैं, बहुत ही गंदी सोच होती है कि अगर बॉयफ्रेंड जो है वो किसी और जात का है या धर्म का है तो ऐसी सूरत में बेटी की शादी नहीं करने देते हैं। लड़कियां भी पता नहीं कैसे विचार की होती हैं कि ये सोचती हैं कि माँ बाप की परमिशन लूंगी उसके बाद शादी करूंगी, अरे बॉयफ्रेंड बनाने गई थी तब ली थी क्या परमिशन, तब क्यों नहीं लेके गई थी अपने माँ बाप को, पीछे से मिल ली है, बातचीत कर ली, अब जब बात सामने खुलती है तो पीछे हट जाती है, फिर माँ बाप के दबाव में आके मैं कि माँ कह देती मैं जहर खा के मर जाऊंगी, बाप कह देता मैं गंगा में डूब के मर जाऊंगा, तो दबाव में आके आप जैसे एक निरीह शिकार को ढूंढा जाता है और उसको आपकी जिंदगी में थोप दिया जाता है, पर यह कोशिश नहीं की जाती कि वो बेचारा अगला क्या भुगतेगा, उस लड़की के जीवन से उसे दूर किया जाता है लड़के को, पर दिल से नहीं हटता है। आप वहां पहुंच जाते हैं, छूने नहीं देती, सुहागरात नहीं मनाती, सेक्स नहीं करती है, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप नहीं करती है, बच्चे पैदा करने से मना कर देती है, अलग अलग तरीके के अत्याचार करती है, आपके घर वालों को सताना, परेशान करना, इंटेंशन क्या होती है, जब मैं तलाकशुदा हो जाऊंगी तो मेरे माँ बाप को भी मुझ पर दया आ जाएगी, बेटा आप कर ले किसी से शादी, इस प्लानिंग से आती हैं लड़कियां, ये मेरे पास लाइव है केसेस। उसके बाद उनको सताना, घबराना और सोचते हैं कि चलो माल भी बटोरेंगे, और ये झूठे केस लगा दिए जाते हैं, इसके बैकअप में वो भाई साहब भी काम कर रहे होते हैं, हाँ हाँ तुम ऐसा करो, फिर उसके बाद तुम तलाकशुदा हो जाओगी, फिर तो समाज कहते हैं आप किसी से भी शादी कर लेगी, अब तो क्या बेचारी होगी, ये गेम खेला जाता है लोगों के साथ, और आप जैसे लोग फंस जाते हैं इस केस के अंदर, और ये अडल्ट्री रिलेशनशिप पता भी लग जाते हैं पर साबित नहीं हो पा रहे होते हैं। इसका बहुत आसान तरीका होता है, वो है आपकी वाइफ की कॉल डिटेल्स, वो आपके पीछे से बहुत बार ये प्लानिंग उसके साथ बना रही होती है, अरे बहुत बार तो हत्या भी कर दी जाती पति होगी, ऐसे तो न्यूज़ रेगुलर सी है, हर महीने कई न्यूज़ छप जाती हैं, तो जात पात के चक्कर में ये जो फफून चल रही है ना, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम महान भारतीय लोग इसको दिल से मानते हैं, आपकी बात नहीं हो रही या उन लोगों की नहीं हो रही जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, पर इसी के चक्कर में खिचड़ी हो जाती है, किसकी, 498 के झूठे केसेस को जिंदा करने की, ये बहुत बड़ा रीज़न है झूठे धर्म का आडंबर और झूठी जात का आडंबर, और इस वजह से लोग आपस में रिश्ता नहीं बना पाते हैं, और उनका रिश्ता जहाँ वहाँ अच्छा होना चाहिए था, जो इंसान दूसरे इंसान के लिए बेहतर हो सकता था, वो किसी तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाकर वहाँ वो हीरोइन थी, यहाँ वो वैम्प बन जाती है, विलन बन जाती है उसकी लाइफ में, और उस आदमी को तबाह करना शुरू कर देती है। ये भाई साहब के खिलाफ भी केस लगाया जा सकता है, इन भाई साहब को डैमेज ऑफ रिलेशनशिप में आप घसीटिए, यहाँ तक कि इन भाई साहब को आप और भी कई केसेस में चार्ज कर सकते हैं, और इनके खिलाफ भी आप बकायदा ने कोर्ट में बुला सकते हैं, और हर केस में इनको पार्टी बनाइए, 125 CRPC हो, DV हो, झूठा आप पे 498 लगाओ, सब जगह पार्टी बना डालिए। एक और आदमी होता है जो इस षड्यंत्र को पूरा जामा पहनाता है, और यहाँ जैसे मैं ये बात बोलूँगा कई लोगों को तकलीफ होगी, तो क्या आप ये मानते हैं मिलावट अच्छी है कि किसी उस जहर से किसी की मौत हो जाए, क्या आप ये बात मानते हैं कि जो कल पुर्जे हैं गाड़ियों के वो सस्ते और घटिया बनाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों के रोज़ एक्सीडेंट हो, मजबूत गाड़ियाँ नहीं बननी चाहिए, मानते हैं नहीं, तो केस घटिया क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ पर कई लीगल प्रैक्टिशनर्स ये गलती करते हैं, अगर कोई इंसान आपके पास झूठ बोलकर केस लगाने आ रहा है तो आप उसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं, अगर आप उसे प्रमोट कर रहे हैं तो सोचिए तो सही कि कितनी लाइफ बर्बाद होती है, अगर उस आदमी की जगह आपकी माँ हो तो क्या होगा, उस आदमी की जगह अगर आपका बाप हो तो क्या होगा, उसकी बहन की इज्जत उछाली जाए तो आपका क्या होगा, आपकी बहन की अगर इज्जत इसी तरह से सरेआम उछाली जाए, आपकी बहन के पति यानी आपकी जीजा के ऊपर आप रेप का केस लगा के देखिए ना कितना मजा आएगा, आप अपने आप को लीगल प्रैक्टिशनर कहते हैं,
इतनी गंदी प्रैक्टिस और फिर झूठे साबित होते हैं, क्योंकि आपको परवाह नहीं होती कि इस आड़ में आप नहीं पकड़े जाएंगे। पर बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं दोस्तों कि अगर किसी लीगल प्रैक्टिशनर ने इस तरह की गलत ड्राफ्टिंग करके गलत सलाह दी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और यहां पर किसी अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर के बारे में बात नहीं की जा रही, क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, जिन्होंने इसी देश को नहीं कई देशों को आजाद कराया है। इतने जबरदस्त लोग भी पैदा हुए हैं। महात्मा गांधी भी एक अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर थे, आपके पटेल साहब भी बहुत अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर थे, नेहरू जी भी बहुत अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर रहे, और अभी भी अरुण जेटली, अभी भी कपिल सिब्बल ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि समाज में एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। राम जेठमलानी जी बहुत अच्छे लीगल प्रैक्टिशनर थे, इन्होंने एक समाज को बहुत अच्छी चीज़ें दी। और ऐसे कई गुमनामी में चेहरे भी हैं जो आपको इतने अच्छे जजमेंट्स देते हैं, जिनको हम यहाँ रीड आउट करते हैं अपने वीडियोज़ में, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस नॉबल काउज वाले एक ईमान वाले काम को बर्बाद करने में लगे हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अब से एक चलन लाइए, एक ट्रेंड लाइए। वीडियो इसी बात को समझाने के लिए है कि बहुत सारे कल्प्रिट हैं आपकी लाइफ के अंदर, उन सबको पार्टी बनाइए, क्योंकि वो सब आपसे छुप छुप कर आपकी पत्नी की पीठ के पीछे खड़े होकर बदला ले रहे हैं। आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, मजे ले रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, उनका कुछ ना कुछ हित आपकी पत्नी से जुड़ा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और कंटेंट के बारे में बता के जाइएगा कि क्या कोशिश कर सकते हैं अब आप अपनी वीडियो के अंदर। और मजे की बात यह है कि आप सब्सक्राइब अगर नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, आप पहली बार आए हैं ये देखते रहते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए ये लाल बटन हल्का सा दबाना होता है।